हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में सिंगल इंडिविजुअल एक ही पेरेंट के थ्रू नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं वो एक दूसरे से ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? यस ऑफ कोर्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड द जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये जो टर्म है क्लोन, वो यूज होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम सिमिलर स्पीसीज के लिए। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब जो दिखने में एक जैसे हो और उनके जो जीन्स हैं वो भी एक जैसे लगें। ठीक है, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है एंड इन प्लांट एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे प्लांट और एनिमल जिनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का होता है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनोरन्स द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट सेल डिवाइड्स इंटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। प्रोटिस्ट और मोनोरन्स में एक ही पेरेंट मतलब पेरेंट जो है पेरेंट सेल डिवाइड करके टू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, मतलब टू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है। दैट्स ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट्सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर एज द सेल डिवाइड्स इंटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इंटू एन एडल्ट। इसमें दो एक ही सेल डिवाइड हो जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है, दो नए एडल्ट बन जाते हैं उससे दो एडल्ट बन जाते हैं। एग्जांपल है उसका अमेबा एंड पैरामीशियम। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इन टू द न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। यीस्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल टाइप का, उसमें बड फॉर्मेशन होता है और अनइक्वली एक स्मॉल मतलब बड फॉर्मेशन होता है और एक बड बन जाती है। बड तो इनिशियली अटैच रहती है पेरेंट बॉडी से बट आफ्टर सम टाइम ये डिटैच हो जाती है और ये मेच्योर होकर नया यीस्ट बना लेती है। मेम्बर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड द सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, किंगडम फंजाई और एल्गी के किंगडम्स में एक स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको जूस स्पोर्स कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर द कोनिडिया एंड पेनिसिलियम बड्स इन हाइड्रा एंड गैमूल्स इन स्पॉन्जेस। ये सारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। एनिमल्स एंड द अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज अनएम्बिगुअसली। ठीक है, इन प्लांट्स द टर्म मतलब एनिमल्स और प्लांट्स सिंपल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल जो वर्ड टर्म है वो अनएम्बिगुअसली यूज होता है बट प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के लिए बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर्स राइजोम शकर ट्यूबर ऑफस्प्रिंग बल्ब्स ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट। भाई जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है तो इसमें जाहिर सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट, इसमें एक ही पेरेंट मतलब दो पेरेंट की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा दिस इज़ नथिंग बट एन एक्वेटिक प्लांट वाटर हियासिन विच इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग
वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये एक इन्वेसिव वीड है, वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड वीड है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। और कहाँ ग्रो करता है? ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये वाटर से ऑक्सीजन को ले लेता है, वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज। अब ऑक्सीजन नहीं होगी जो वाटर में, सी बात है कि फिशेस की डेथ हो जाएगी। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 और 14। इसके बारे में 13 और 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इन इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव। ये प्लांट इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि ये इसके जो फूल थे वो बहुत सुंदर थे और इसकी जो लीव्स की शेप थी वो बहुत सुंदर थी। सिंस इट कैन प्रोपिगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, क्योंकि ये इसकी जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता था और बहुत ही तेज़ी के साथ ये स्प्रेड होने लगा ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड द टाइम ऑफ द टाइम। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैम, और उसको निकालना वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेली आर कल्टिवेटेड? हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर? आपने पोटैटो के ऊपर ये स्टेप का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको आई बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से नया पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है। देखते हैं कैसे नोड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट होता है। ठीक है, और जब नोड्स डैम सॉइल और वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोच प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द ब्रायोफिल्लम। ठीक है, ऐसे ही एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होती है ब्रायोफिल्लम की लीफ पे। ठीक है, दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लोइटेड बाय द गार्डनर्स एंड द फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन। ये जो टेक्निक होती है ज़्यादातर ये गार्डनर्स और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैड अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई एंड दैट दे शिफ्ट टू द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑनसेट द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, हमने पढ़ाया आगे कि एसेक्सुअल मतलब जो सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, बट एडवर्स कंडीशन मिलने पर ये जो फंजाई है और एल्गी का जो ग्रुप है, एल्गी एंड फंजाई जो होते हैं, एडवर्स कंडीशन मिलने पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। थैंक यू।